दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कई ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसके बारे में हमें ये पता नहीं होता कि इसे कैसे बनाया जाता है। जैसे अब आप अपने घर में यूज होने वाले LPG गैस सिलेंडर को ही ले लीजिए, या फिर आप अपने दांतों को साफ करने वाले टूथब्रश को। ऐसी चीजें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम इस बात से अनजान है कि इसे कैसे बनाया जाता है। क्या ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं या नहीं? क्या इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल हमारी सेहत पर या फिर हमारे वातावरण पर भी इफेक्ट देते हैं? ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते होंगे, लेकिन हमें इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रोजमर्रा की लाइफ में यूज होने वाली कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसके बनने के प्रोसेस के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आखिर उन्हें फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेदर वॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों, यदि आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा कि क्रिकेट गेंद कैसे बनाई जाती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट देखते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको पता नहीं होता कि ये क्रिकेट बॉल कैसे बनता है। अब आम तौर पर क्रिकेट के अंदर सफेद, लाल और गुलाबी रंगों की गेंद का प्रयोग किया जाता है। दिन और रात दोनों में अलग अलग गेंद के रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात के अंदर गेंद का रंग सफेद चुना जाता है। क्रिकेट की गेंद एक ठोस गेंद होती है जिसका प्रयोग क्रिकेट खेलने में किया जाता है। ये चमड़े से ढके कॉर्क की बनी होती है। ये क्रिकेट के कानूनों के अनुसार होती है। एक शीश गुणवत्ता वाली गेंद में चमड़े के चार टुकड़ों का प्रयोग कवरिंग के अंदर किया जाता है, जो नारंगी के छिलके के जैसा होता है। ये गोलार्ध को दूसरे के संबंध में 90 डिग्री घुमाया जाता है। गेंद के सीमेटर को टांके के साथ एक 6 पंक्तियों के साथ गेंद के प्रमुख सीम को बनाने के लिए स्ट्रिंग के साथ सिलाई होती है। चमड़े के टुकड़ों के बीच शेष दो जोड़ आंतरिक रूप से क्वार्टर सीम बनाते हैं। कॉर्क रबर आमतौर पर मेरठ के आसपास के खेतों से आता है। चमड़े का निरीक्षण विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। गेंद बनाने के लिए 2.5 वर्ग के टुकड़ों के अंदर काट कर रसायनों के साथ उपचार किया जाता है। इसके लिए ट्रेनिंग प्रक्रिया का प्रयोग होता है जो कि चमड़े को लचीला बनाते हैं। उसके बाद चादर को धूप के अंदर सुखाया जाता है जिसमें चादर एक पंक्ति में आ जाते हैं। इसके बाद चादर के तनाव को कम किया जाता है जिससे ये और अधिक लचीला हो जाता है। इसके लिए इसे मोड़ना, पॉलिश करना वगैरह काम होते हैं। इसके बाद जानवरों की चर्बी का एक टुकड़ा बॉल के ऊपर चढ़ाया जाता है। लिप सिलाई की मदद से गेंद को सिल दिया जाता है। इस तरह से आप जान ही गए होंगे कि क्रिकेट की बॉल कैसे बनती है। LPG सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, हमारी वीडियो में जो मशीन आप देख पा रहे हैं, ये मशीन LPG गैस सिलेंडर बनाने का काम करती है। इसे बनाने के लिए पहले लोहे की एक चादर को काट कर उसे कुछ यूं कैप्सूल के आकार में बना दिया जाता है, जिसका शेप कटे हुए कैप्सूल की तरह होता है। इसके बाद कैप्सूल के दो हिस्सों को मिलाकर उसे बीच से बेल्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट लगाया जाता है, इसके जरिए सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके। इसके बाद उसका ऊपर का हिस्सा बनाया जाता है जो कि नोजल होता है, जो छोटे मॉडल प्लेट्स को काटकर बनाया जाता है, और फिर उन्हें भी सिलेंडर पर बेल्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे कलर कर दिया जाता है, और इस तरह बनकर तैयार होता है आपका LPG गैस सिलेंडर। टूथब्रश मेकिंग। ब्रश बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्लास्टिक को गर्म करके उसे तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, और फिर उसे सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है और उचित शेप दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया मशीन द्वारा संपन्न होती है, इसलिए इसे ठंडा होने के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके बाद इस हैंडल पर रबर का कवर चढ़ाने का काम भी इसके जस्ट बाद मशीन द्वारा ही किया जाता है, जिससे ब्रश की अच्छी पकड़ बनने लगती है। पहली प्रक्रिया में ब्रश के हैंडल पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद अब उसमें ब्रश के दांत यानी कि ब्रिसल्स, जिससे कि दांतों की सफाई की जाती है, उसे लगाने का कार्य किया जाता है। ब्रश में लगाई जाने वाली ये ब्रिसल्स मुख्यतः नायलॉन के बने होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक तरीके ब्रश के हैंडल पर लगाया जाता है। मशीन द्वारा ब्रश पर ब्रिसल्स सेट करने की ये प्रक्रिया किसी इंसान द्वारा किए गए कार्य से बहुत तेजी से की जाती है। अब इसकी तीसरी प्रक्रिया में इन ब्रिसल्स की उचित शेप और साइज में कटिंग की जाती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग तरीके से सफाई करने के लिए अलग अलग ब्रश तैयार किए जाते हैं। बाजार में वही माल बिकता है जो अच्छा दिखता है, इसलिए टूथब्रश की पैकिंग भी बहुत जरूरी होती है। इस प्रक्रिया में टूथब्रश को कार्डबोर्ड और प्लास्टिक के पारदर्शी बॉक्स में पैक किया जाता है, और अब ये ब्रश मार्केट में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। शटल कॉक मेकिंग।
दोस्तों, शटल कॉक को बनाने के लिए कंपनियां भारी मात्रा में हंस के पंखों को खरीदती हैं, जिसके बाद इन्हें सेम साइज में करने के लिए इन्हें एक एक करके मशीन में लगाया जाता है और ये मशीन सभी को कटिंग करके समान साइज में कर देती है। इसके बाद शटल कॉक की गद्दी बनाई जाती है और इस गद्दी में एक मशीन कुछ इस तरह से इसमें होल करती रहती है और दूसरी तरफ इन्हीं होल्स में हंसों के पंख को लगाया जाता है। इसके बाद पंखों को उस गद्दी के साथ गम लगाकर लगा दिया जाता है ताकि पंख मजबूती के साथ उन गद्दियों में चिपक सके। इसके बाद सभी शटल कॉक को एक एक कर सिलाई की जाती है। इस प्रोसेस के बाद शटल कॉक को बैलेंस के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें उसको बैलेंस किया जाता है और ऐसे बनकर तैयार होता है शटल कॉक। टेनिस बॉल मेकिंग। दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर जो मशीन आप देख पा रहे हैं उससे टेनिस बॉल बनाई जाती है। सबसे पहले इस मशीन में काफी मात्रा में रबर डाल दी जाती है, जिससे वो मटेरियल एक पेस्ट की तरह बन जाता है, जिसके बाद उन पर उन रबर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें आधे बॉल के फ्रेम में डाला जाता है और उन पर प्रेशर डालकर उन्हें ठीक किया जाता है और इसके बाद इन्हें कट किया जाता है, जिसके बाद रबर पर हाइड्रो प्रेशर डालकर उसे गम की मदद से आसानी के साथ चिपका दिया जाता है, जिसके बाद इस पर व्हाइट और ग्रीन कलर की कोटिंग की जाती है और इस तरह से टेनिस बॉल तैयार की जाती है और अंत में इन दोनों को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्बल्स मेकिंग मशीन। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि मार्बल्स कांच की छोटी छोटी गोलियों को कहते हैं, जिन्हें हम कंचे का नाम देते हैं। अब इसे कैसे बनाया जाता है ये हम आपको बता दें। दरअसल पहले तो कंपनियां पुराने कांच को खरीद कर उसका चूरा बनाती हैं, जिसके बाद उसे अच्छे से पिघलाया जाता है, जिसके बाद इनकी मशीनें कांच को बूंद के रूप में छोटी छोटी गोलियां बनाकर तब तक गिराती रहती हैं और ये बूंद रोलर के ऊपर गिरकर गोल हो जाती है और तैयार होती हैं कुछ इस तरह की कांच की मार्बल्स। हालांकि जब ये ठंडी होती हैं, तो ये कांच की गोली के तौर पर कुछ इस तरह नजर आती हैं। और इसी के साथ हम अपना बचपन बिताया करते थे, शायद आपको याद ही होगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी कंचे खेले हैं। ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास की बॉटल बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास के रॉ मटेरियल को सबसे पहले एक फर्निस में गर्म करके पिघलाया जाता है। जब ग्लास का मैटर पूरी तरह से पिघल जाता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में गिराया जाता है, जिसके बाद मशीन में लगे हाइड्रोलिक आर्म इस मटेरियल को अलग अलग जगहों में बांट देते हैं, जिसके बाद इस मटेरियल से बॉटल बनाने का काम शुरू होता है, जिसमें इस मटेरियल को अलग अलग फ्रेम से गुजारा जाता है और एक लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद ये ग्लास बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग करके इन्हें आगे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।